गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने ढूंढ लिया है एक ऐसा ऐप जिसको यूज़ करके आप अपने दिल्ली मेट्रो का जो सफ़र है वो काफ़ी इजीली कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्योंकि मैं सोच रहा था मैं कि कुछ ना कुछ लाया जाए आज, तो मैंने सर्च किया तो मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है। कई सारे ऐप डाउनलोड किए थे लेकिन काफ़ी, मतलब जो कहते हैं ना, बहुत अच्छा जो इंटरफेस होता है चलाने में और दिखने में लुक वाइज, तो उस तरीके का ऐप मिल चुका है मुझे। तो मैं सोच रहा हूँ आपके साथ शेयर कर दूँ, तो हम ये आपको बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप अगर मेट्रो में सफ़र करते हैं या फिर मेट्रो का सफ़र करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि इसमें जो ऐप मैं बताने वाला हूँ वो काफ़ी यूज़फुल ऐप है, तो बिल्कुल वीडियो स्किप मत करना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको अपन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं DMRC का डेस्कटॉप पर लोगो आपको शो हो रहा है, तो मैं सिंपली इस पर टैप कर देता हूँ। जैसे आप टैप करोगे, ये इंटरफेस इसका इस तरीके से आएगा, जो काफ़ी बहुत बेहतरीन है, मतलब दिखने में अच्छा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर शो हो रहा है बिटवीन रोड बिटवीन स्टेशन। इसमें क्या होता है, आप ऑफलाइन यूज़ कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन स्टेशन इन्फॉर्मेशन, ये भी ऑफलाइन यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होता है, जब भी कोई मेट्रो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐड होती है, अपडेट जो आता है, तो वो प्ले स्टोर पर ऐप जो इसका ये है तो वहाँ पे अपडेट आ जाता है। तो उससे जब आप अपडेट करोगे तो ऑटोमेटिकली इसमें जो भी करेक्शन हुआ है वो आपको मिल जाएगा। तो हम इसको बताते हैं। तो फर्स्टली हम क्लिक कर लेते हैं रूट बिटवीन स्टेशन। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है जितने भी स्टेशन हैं उन सब की लिस्ट आपके सामने है। तो आप यहाँ से स्टार्ट स्टेशन, कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी यहाँ से ले सकते हो। मैंने यहाँ पे अर्थला लिया हुआ है, उसके बाद लास्ट स्टेशन आप ले सकते हो। तो मैं सबसे लास्ट वाला यहाँ पे ले लेता हूँ, यमुना बैंक। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फर्स्ट हो गया है हमारा, लास्ट भी हो गया है। अब इसको सिंपली आपको क्या करना है, रूट ए बी यहाँ पर शो हो रहा है, ए बी और रूट। तो इस पर रूट पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं जितने भी रूट आपको यहाँ पे, जितने भी स्टेशन अवेलेबल हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। सबसे पहले ये किलोमीटर आप देख लो कितना यहाँ पे डिस्टेंस है, वो आपको शो हो रहा है 20.3 किलोमीटर यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद टोकन का प्राइस कितना है, मतलब टिकट जो आप लोगे कितने की आपको पड़ेगी, तो 40 रुपये यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर टाइम आपको कितना लगेगा, तो यहाँ पर टाइमिंग भी शो हो रही है, बहुत ही अच्छी है। और उसके बाद यहाँ पे स्टेशन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने स्टेशन आपको पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने स्टेशन क्रॉस करने हैं। तो यहाँ पे स्टेशन हो गए इंटरचेंज। इंटरचेंज फ्रेंड्स वो होता है जो कि आप अपनी लोकेशन जहाँ से मेट्रो ले रहे हो और जहाँ पे लास्ट आप जा रहे हो, अगर आपकी लोकेशन से सीधे मेट्रो वहाँ पर डायरेक्टली नहीं जा रही है तो वो इंटरचेंज होके जाती है। तो आपको इंटरचेंज, वहाँ से इंटरचेंज में जाके मेट्रो दूसरी चेंज करनी होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो इंटरचेंज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये रेड लाइन है, रेड लाइन से होके फिर आपको पिंक लाइन में जाना है, पिंक लाइन के बाद आपको यहाँ पे ब्लू लाइन में जाना है, तब आप जाके यमुना बैंक पहुँचोगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो गया है, बहुत ही बेहतरीन। और आप सेकंड नीचे आप देख सकते हैं रूट इन्फॉर्मेशन और मेट्रो मैप, अगर मैप पर क्लिक करोगे तो इसका मैप भी देख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं सेकेंड ऑप्शन इसका बताने वाला हूँ। सेकेंड ऑप्शन है स्टेशन इन्फॉर्मेशन। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो जितने भी स्टेशन हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी यहाँ पे जिसकी आपको डिटेल देखनी है तो आप उस पर सिंपली क्लिक करना है। मैंने गोल्फ कोर्स पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट एंड लास्ट ट्रेन टाइम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम, जो भी है। सेकेंड इसका प्लेटफॉर्म इन्फॉर्मेशन है, प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं। तो बाकी ऑप्शन आप यूज़ करके देख सकते हो, बहुत ही है, पार्किंग वगैरह सब है इसमें। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो रहा है नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पे आपको लोगो शो हो रहा है GPS का। तो फ्रेंड्स, अपन को डेटा ऑन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे लोकेशन ऑन कर लेनी है। जैसे ही आप लोकेशन ऑन करोगे उसके बाद ये वर्क करेगा। तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेते हैं नियरेस्ट स्टेशन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जिस लोकेशन में मैं अभी हूँ वहाँ से लेके जितने भी नियर बाई मेरे स्टेशन हैं, इसने सारे यहाँ पर सारे कलेक्ट करके यहाँ पर शो कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और ये आपको बहुत ही बेहतरीन जो दिल्ली मेट्रो का सफ़र है वो कराने वाला है अगर आप इसको डाउनलोड करते हो तो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको डाउनलोड कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइप कर चुका था सर्च इंजन में, इसलिए फर्स्ट नंबर पर आ रहा है। तो मैं फिर से टाइप करता हूँ, पूरा नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है, दिल्ली मेट्रो।
तो आप देख सकते हैं दिल्ली मेट्रो रेल, यहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे आप रेल टाइप करोगे, सबसे फर्स्टली आइकन आपको शो हो रहा है DMRC और उसके बाद दिल्ली मेट्रो रेल, तो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पे यहाँ दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, अनइंस्टॉल और ओपन। आपके पास बस एक ही शो होगा इंस्टॉल, तो आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप उसको यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स जितने भी हैं उस सर्कल में शेयर करो इस वीडियो को, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें और फालतू के ऐपों से बच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतने, चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ, जल्दी लेके आते हैं।